खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल जितने भी परिवार हैं उनका एक काम खत्म नहीं होता, उससे पहले ही दूसरा काम आ जाता है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे ई केवाईसी का प्रोसेस खाद्य सुरक्षा योजना के जितने भी राशन कार्ड हैं उसके अंदर जितने भी यूनिट हैं उसके अंदर रनिंग है। ये काम है 30 जून तक करना है, लेकिन उससे पहले ही एक न्यू अपडेट आ गई है। सभी को मैसेज मिलने लग गए हैं कि जो राशन कार्ड है उसको ई श्रम कार्ड के साथ सीडिंग करना है। तो अब ये मैसेज क्या मिला है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद इसका क्या मतलब है और कहाँ से व किस प्रकार से सीडिंग हो सकती है तो पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो ये मैसेज अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल हैं तो आपके पास भी पहुँच गया होगा, तो अब समझे और उसके बाद आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ। मैसेज ये है कि खाद्य विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार आपका राशन कार्ड बना हुआ नहीं है, यानी कि राशन कार्ड बना हुआ नहीं है, अतः आप अपने व अपने परिवार के सभी सदस्यों के ई श्रम कार्ड, यहाँ पे ध्यान करने योग्य बात यह कि सभी सदस्यों के ई श्रम कार्ड तथा आधार कार्ड के साथ, आधार कार्ड भी साथ में लेके जाना है, नज़दीकी ई मित्र पे जाके राशन कार्ड बनवाना है। दूसरा पॉइंट, अगर राशन कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड व ई श्रम कार्ड ले जाके ई मित्र से सीडिंग करवानी है। तो यहाँ पे ई मित्र से सीडिंग करवाने का जब मैसेज है तो सभी ई मित्र कियोस्क को लगता है कि ये ई मित्र पे कोई सर्विस होगी, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। और ये मैसेज दिया गया है खाद्य विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से, और ये मैसेज ज़्यादातर उन्हीं लोगों को मिला है जो कि परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल हैं। इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं है उनके लिए भी अगर अपडेट हैं तो हो सकती हैं कि उनके बारे में भी ऐसी कुछ एक जानकारी हो, तो वीडियो पूरा देखे हर एक बिंदु को समझे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात ये है कि जितने भी परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल हैं उनको एक मैसेज मिला है। मैसेज के अंदर कहा गया है कि आपका राशन कार्ड बना हुआ नहीं है तो आपको नज़दीकी ई मित्र पे जाना है और परिवार के सभी सदस्यों के ई श्रम कार्ड ले जाके और आधार कार्ड ले जाके राशन कार्ड बनवा लेना है। दूसरा बिंदु ये है कि पहले से अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो सभी सदस्यों के ई श्रम कार्ड व आधार कार्ड ले जाके उसकी सीडिंग करवा लेनी है। और ये खाद्य विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से मैसेज मिला है तो ये तो कंफर्म है कि ये मैसेज फेक नहीं हो सकता, तो ये मैसेज बिल्कुल सही लगता है। तो अगर मैसेज सही लगता है तो यहाँ पे सीडिंग भी होगी, और सीडिंग क्या होने वाली है, राशन कार्ड की ई श्रम कार्ड के साथ सीडिंग। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ई श्रम कार्ड तो सभी सदस्यों के बने हुए ही नहीं है, क्योंकि कुछ एक सदस्य ऐसे भी हैं जिनके ई श्रम कार्ड बने हुए नहीं है, जो स्कूल जाते बच्चे हैं उनके पास भी ई श्रम कार्ड नहीं है, तो उनकी सीडिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे फिलहाल एक मैसेज मिला है, उसके बाद इसकी एक गाइडलाइन जारी होगी जिसके अंदर बताया जाएगा कि किस प्रकार से सीडिंग प्रोसेस संपादित किया जाएगा, यानी कि काम कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पे इस समय ई मित्र पे इसकी सर्विस लाइव नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही ई मित्र पे ये सर्विस लाइव हो सकती हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा ये लगता है कि ये सर्विस सीएससी वालों को ज़्यादा पहले मिल सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये काम वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत हो रहा हो, इसलिए ये हो सकता है कि इस सर्विस को सीएससी पे दिया जाए। तो इसके लिए आप सभी को हमारा सीएससी ट्रेनिंग कोर्स यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाना है, इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा। यूट्यूब पे जाके @CSC ट्रेनिंग कोर्स लिख के सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, और उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे कि अगर ये सर्विस सीएससी पे मिलती है तो मैं सीएससी ट्रेनिंग कोर्स पे वीडियो अपलोड कर लूंगा, अगर ई मित्र पे मिलती है तो इसी चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आपको जल्द से जल्द पता लग सकेगा और जल्द से जल्द आप अपनी सीडिंग करवा सकेंगे। तो अब फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि एक सीडिंग प्रोसेस प्रारंभ होने वाला है, जल्दी सीडिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, तो अभी तक आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सीडिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो मैं आपको वीडियो बना के जानकारी दे दूँगा। अब सीडिंग तो करनी ही करनी है, इसके अलावा हो सकता है कि जब नए आवेदन किए जाए तभी भी ये प्रोसेस अपनाया जाए, यानी कि नए नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए भी यहाँ पे ई श्रम कार्ड का सहारा लिया जाए, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आने वाले समय में इसके बारे में ज़्यादा अपडेट आपको मिलती रहेगी, और ये सर्विस लंबी चलने वाली है। अगर ये मैसेज बिल्कुल सही है तो ई मित्र कियोस्क के लिए भी खुशखबरी है, साथ ही साथ ऐसे लोग जो खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होना चाहते हैं और ऑलरेडी शामिल हैं उनके लिए समस्या है कि उनको सीडिंग करवानी होगी।
तो यहाँ पे आने वाले समय में पता लगेगा, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास मैसेज मिला है, इसको पढ़ लो। उसके बाद जैसे ही इसके बारे में अपडेट आएगी तो मैं वीडियो बना के जानकारी दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अब फिलहाल के लिए मैसेज मिला है तो आप मैसेज पढ़ ले, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इसकी सेकंड अपडेट आती है तो मैं वीडियो बना के जानकारी दूंगा, उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा नहीं कि अभी जाके आप ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए लाइन में लग जाए, ऐसा भी नहीं करना है। जब अपडेट आएगी तो जानकारी दूंगा, बड़े ही आसानी से ई श्रम कार्ड बन जाता है अगर ज़रूरत होगी तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सीडिंग प्रोसेस के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है इसके लिए, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे सभी लोग जो खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल हैं, शामिल होना चाहते हैं, ई मित्र कियोस्क हैं, सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बाय बाय दोस्तों।